नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे टाटा कर्व के बारे में। रिसेंटली कल 11 तारीख को यानी कि 11 जनवरी को ये लॉन्च हुई और मैं वीडियो बना रहा हूं 12 तारीख को, क्योंकि सुबह सुबह आना पड़ता है 8 बजे ना, तो कल बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन फिलहाल दिखाते हैं कर्व की, कर्व के अंदर क्या मिलता है। वैसे ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है और इतनी शानदार कर्व, मतलब जो पिछली बार अभी कुछ टाइम पहले कॉन्सेप्ट गाड़ी दिखाई थी, उसी को इन्होंने एक पैसेंजर व्हीकल के अंदर पूरी तरह से तब्दील कर दिया है। कुछ चेंजेस किए हैं, क्या क्या चेंजेस हैं, चलिए पटाख से वीडियो को शुरू करते हैं। बस चैनल पर नहीं हो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो भाई शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक बहुत प्यारे से लोगो के साथ में। आप देख सकते हैं टाटा का ट्रस्टेबल लोगो है, साथ में नीचे आपको कर्व की बैजिंग मिल जाती है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर के जस्ट नीचे की तरफ रेडिश जो है, मतलब रेड कलर के ऊपर आपको थोड़ा सा ब्लैक कलर का शेड चिपका दिया गया है, जिसकी वजह से इसका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर लग रहा है। फिलहाल एक लाइट है जो पूरी ऑल द वे लास्ट तक जाती है, ये बिल्कुल बोनट से चिपकी हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट जो है लाइट लग रही है। फिलहाल सेम यही शेप आपको नीचे की तरफ भी मिल जाती है और थोड़ा सा कर्वी, और वही अपना टाटा का जो सिग्नेचर ग्रिल है वो आप कह सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर नंबर प्लेट आपकी लग जाएगी। ये बदलाव टोटल दिए गए हैं। फिलहाल यहाँ देखेंगे तो आपको प्रोजेक्टर लाइट्स मिल जाती हैं गाड़ी के अंदर, और इंडिकेटर भी शायद यही, ये जो है इस तरफ ये वाला हिस्सा जो है वो इंडिकेटर की लाइट का है। फिलहाल आप देख सकते हैं गाड़ी का फ्रंट लुक कैसा है, और यहाँ पर आपको बैक सेंसर, मतलब सेंसर जो होता है वो तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बात कर लेते हैं अब गाड़ी के साइड प्रोफाइल से। तो भाई साइड प्रोफाइल में गाड़ी का अंदाज बहुत ही निराला है यार, और इसका अंदाज कैसे बताऊं, अगर आपने देखी हो BMW या फिर एक मर्सिडीज़ का भी आता है, सेम यही लुक जो है उस गाड़ी का भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है टाटा ने अपनी कर्व के अंदर सेम वही जो लुक है वो दे दिया। और फिलहाल इसके अलॉय व्हील देखोगे यार, भाई साहब बिल्कुल जहर लग रहे हैं। फिलहाल 20 इंचेस के अलॉय व्हील्स इसको दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो अलॉय व्हील दिए गए हैं, मतलब टायर साइज जो है वो 20 इंच का है, लेकिन जो अलॉय व्हील दिए गए हैं वो बहुत सुंदर है यार। मतलब कमाल कर दिया टाटा ने, इतना सुंदर अलॉय व्हील दिया है कि दिल आ गया अपनी वैगनार में लगा लूँगा ऐसा। लेकिन 20 इंच का तो नहीं मिलेगा, मेरा तो भैया सिर्फ 14 इंच के लग सकते हैं, छोटी मोटी गाड़ी है। चलिए यहाँ हो गया साइड से। फिलहाल बात कर ले तो यहाँ इसका ORVM हो गई, और वह ORVM के अंदर आपको किसी तरह का 360 कैमरा का सपोर्ट नहीं मिलता है। फिलहाल गाड़ी की अंदर से बात करें तो गाड़ी का लुक कुछ इस तरह का नज़र आता है। एक बड़ा 9 इंच का डिस्प्ले आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ये देख सकते हैं 9 इंच का डिस्प्ले है। और साथ में यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है आपको एक छोटा सा नोब, और ये इसके स्पोर्ट्स मोड और जो इको मोड को जनरेट करने के लिए है। और साथ में मिल जाते हैं आपके उसकी गियर नॉब, जिसके अंदर रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। साथ में मिल जाएगा आपको इसका स्टेयरिंग, वो मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। लेकिन गाड़ी की जो सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। अब चलते हैं गाड़ी आपको रियर से दिखाता हूँ कि रियर से गाड़ी कुछ किस तरह की नज़र आती है। तो भाई पीछे से बात करें तो एक वही लाइट आप देख सकते हैं ऑल द वे जा रही है। साथ में यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है, ये इंडिकेटर इसकी ब्रेक लाइट है, और साथ में ये जो लाइट है ये शायद इसकी लाइट जैसे ही आप ऑन करते हैं तब ये ओपन हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर टाटा का ट्रस्टेबल लोगो, और ये कुछ प्लास्टिक जैसा है, अंदर की तरफ भी थोड़ा शाइनी सा मार रहा है, लेकिन ये टाटा का ट्रस्टेबल लोगो यहाँ पे दिखाया गया। फिलहाल बात करें तो कर्व की बैजिंग यहाँ पर मिल जाती है आपको, और उसके नीचे जस्ट आपको एक ब्लैक कलर की पट्टी ऑल द वे लास्ट तक जाती हुई दिखाई नजर आ जाएगी। सामने यहाँ पर आपको कुछ मतलब एयर वेंट जैसा सा नज़र आ रहा है, ये किस लिए है ये तो पता नहीं, आगे की तरफ होता तो हम कह सकते थे ये भैया थोड़ा सा इसको एरोडायनेमिक बनाने के लिए दिया गया होगा। लेकिन यहाँ पर नंबर प्लेट की जगह, और पीछे की तरफ अभी इस वक्त कोई सेंसर मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं जो बैक सेंसर्स होते हैं। डेफिनेटली बदलाव होंगे इस गाड़ी के अंदर भी थोड़े बहुत, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर जो है वो सिक्योरिटी फीचर्स को मैंडेटरी कर दिया गया है, जैसे कि आपको बैक सेंसर्स आपको देने पड़ेंगे। बैक सेंसर्स के साथ में आपको इसके एयरबैग्स और ये सारी चीज़ें भी देनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ एयरबैग्स के सिंबल भी नहीं नज़र आ रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसका स्टेयरिंग, तो कुछ इस तरह का स्टेयरिंग जो है आपको यहाँ पर दिखेगा, आप देख सकते हैं ग्लो, मतलब थोड़ा ऐसा लगता है कि ग्लो कर रहा है। और यहाँ पर इसका है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वो कुछ किस तरह का है वो भी आप देख लीजिए। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर भी ऐसा लगता है जैसे कोई डिस्प्ले सी लगा दी गई हो, लेकिन बहुत ही शानदार जो है वो लग रहा है। फिलहाल ऊपर की तरफ आपको पैरानोमिक सनरूफ मिल जाती है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए पूरी दिखाई दे रही है। तो भाई ओवरऑल ये है गाड़ी का फ्रंट और बैक साइड लुक, और अंदर से तो भैया गाड़ी लॉक करके रखते हैं, पता नहीं क्यों, जैसे हम खा जाएंगे उसको, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो चुका है गाड़ी का फ्रंट बैक एंड और लुक। तो भाई उम्मीद करते हैं आपको टाटा कर्व पसंद आई होगी। भैया पसंद आई है तो एक जल्दी से एक थम का निशान और एक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर ऐसी और वीडियोस आपको देखनी है तो भाई आपको मिलती रहेंगी। बस क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है सभी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। बड़े बड़े लोग यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करते। चलो भाई टेक केयर, बाय बाय, सी यू।